वेलकम बैक हसन साहब, आपसे बात का आगाज करेंगे और आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी ब्रेक से पहले भी हमने बात की कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है बहुत मुश्किल से एक पेज पे आती है, लेकिन आपकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि किसी एक को बचाने के लिए दूसरे को कुर्बानी देना पड़ रही है, जबकि राहिला खादिम हुसैन की जानिब से भी यही कहा गया कि बलि का बकरा बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखें जी, पहली बात तो ये है कि आपने इनवाइट किया, मैं आया, आप मुझे टाइम नहीं दे रही। मेरे टाइम में भी वो आपने एक तो एक जमात के दो तीन बंदे बुलाए हुए हैं, वो अपना शोर डाल देते हैं। हसन साहब, ये टाइम हमने आपको दिया इसीलिए। किस आप जमहूरी किस जमहूरी रवैये की आप बात कर रहे हैं? ये जमहूरी रवैया है? चोरी पकड़ी गई है पीटीआई की और डिस्कस हो रही है पीपल्स पार्टी की क्यादत, क्या जमहूरियत है और क्या इंसाफ है और क्या अदलो इंसाफ का मियार है आपका? मैं इनसे ये गुजारिश करता हूं कि इनके अंदर हजारों चोर और मौजूद हैं जो बाकी पार्टियों से इन्होंने मांगे तांगे के लिए हुए हैं, ये उनका भी रिजाइन दिलवाएं और उन्हें नैब के पास भेजें, उनकी इंक्वायरी हो। मैं इनसे पूछता हूं, वो सारे जितने चोर थे, जितने करप्ट लोग थे, वो इनकी जमात में बैठे हुए हैं और ये आगे बैठ के तो दूसरी जमातों को चोर चोर और करप्ट करप्ट कही जा रहे हैं। आपने अलीम खान साहब के वकील को बुलाया है, इंतहाई काबिले एहतराम है, वो केस की हद तक रहे ना, वो अब शुरू कर दें, वहां मिसालें देनी जी के जरदारी साहब को पकड़ लो फला। भाई जब पकड़ेंगे तो हम हाजिर हैं, हम आएंगे, हम अपनी तहकीकात में शामिल होंगे, हम अदलिया को भी मानते हैं, हम इदारों को भी मानते हैं। हम तो कह रहे हैं कि हमें तरीकाकार पे एतराज था, आपने बेहतर कर दिया है, बाकी चोर भी ले आए और हमें भी कहें, हम भी आ जाएंगे। हम बात करते हैं तो हमें कहते हैं जी गुलामी। गुलामी कौन सी है? हम असूल की बात कर रहे हैं। इमरान खान का एटीएम नहीं था अलीम खान? ये जहांगीर तरीन महल नहीं हुआ अदालत से? क्यों बैठता है सरकारी मीटिंगों में? क्यों अटेंड करता है सरकारी इजलास? क्यों बैठ के इफ्तिताह हो रहे होते हैं? कैंची जरताज गुल के हाथ में होती है, काट पीछे से वो जहांगीर तरीन रहा होता है, क्यों ये सारा कुछ हो रहा है? कौन सी हाय पार्टी की बात की जाए तो आज की जो बड़ी गिरफ्तारी सामने आई है, जो सियासी मुल्की हालात हैं, उन पे क्या असर अंदाज होने वाली है आज की गिरफ्तारी? इतनी बड़ी गिरफ्तारी नहीं है जितनी आपने बड़ी बना दी है। ये इतनी बड़ी गिरफ्तारी नहीं है जितनी बड़ी आपने गिरफ्तारी बना दी है। ये मामूली सी गिरफ्तारी है। एक पंजाब का वजीर जो है वो गिरफ्तार हो गया, आप बड़ी गिरफ्तारी थी अलीमा खान की, बड़ी गिरफ्तारी थी जहांगीर तरीन के ड्राइवर और खान सामे के जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी, नहीं उससे भी बड़ी गिरफ्तारी इमरान खान साहब की अपनी होनी चाहिए। उनको पकड़ा, जो पकड़ने वाला करने वाला काम है आप वो नहीं करते। हुकूमत में बैठ के तनकीद हमारे पे हो रही है, अगर मैं और रहीला किसी इशू पे एक मौकफ हमारा हो जाए तो हमें कहते हैं कितनी बड़ी बात हो गई है जी के ऑपोजिशन एक पेज पे आ गई है। हसन साहब, ये होता है एक्चुअली शाज़ो नादर है, कभी कभी होता है। हसन साहब, गुरदारी साहब की जितनी चोरियों का मुझे पता है, मैंने मियां शहबाज शरीफ के मुंह से सुनी है या नवाज शरीफ से सुनी है, मुझे तो नहीं पता। हमने भी एमकेएम को कातिल इमरान खान साहब के मुंह से सुना। यहाँ सिद्धरा मैं एक बात जरूर करूंगी, एक बात मुझे कहने का मौका दें कि इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार होना चाहिए नैब के जरिए, क्योंकि ये एटीएम मशीनों का जो सारा इस्तेमाल था वो इमरान खान साहब के ऊपर था। उनसे भी जवाब लिया जाए कि जनाब ये अखराजात कहाँ से होते रहे, उन एटीएम मशीन्स को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं? खाली जुबानी बातें ना करें। एटीएम सीरियस ऑब्जेक्शन इस बात के ऊपर, मेरा नौकर किस बात का है? एटीएम कोई है सबूत आपके पास? ऐसे बैठे बातें करते रहे, सड़कों पर ढोल बजाते रहे, बात करें कानूनी, क्या एटीएम मशीन? भाई आपके पास सबूत है? चाहे पर्चे की दरखास्त दे, चाहे नैब में इंक्वायरी की दरखास्त दे, बैठ बाकी बैठे ढोल बजाते रहे। हाल को असर साहब, आप इस तरह ना करें, छोड़े दरखास्त दे जाकर, दरखास्त दे दरखास्त जाकर, सुबह बात करें, वो जाए मुजाही बने, आ जाके 10 साल आप लोग पीपल्स पार्टी नून लीग ये कोई एक चीज साबित नहीं कर सकी। और आप देखिए 10 साल ये अलीम खान के बारे में 2002-2003 सारा पुराना है। आपको कुछ कर नहीं सके, मुझे आपसे जानना चाहूंगी, मुझे पता नहीं क्या क्रेडिट ले रहे हैं आप। बैठ के कानूनी बात करें, जुबानी बात नहीं करनी। आपने अगर कोई बात करनी है ना दरखास्त दें यहाँ पर बैठ कर। और भाई मेरे हसन साहब बुरा बना गए इस बात का, भाई उन्होंने एक अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि सारे चोर लोगों को पकड़े, गिरफ्तारियां करें। मैंने कहा जिन पे इल्जाम है सारे पकड़े,
सारी सियासी जमातों में पकड़े, इसमें क्या बुरा कह दिया मैंने? भाई उन्हीं की बात का बढ़ावा दिया मैंने और बात की है बड़े हकायक के मुताबिक। फिर जिन पे है ना वो मुराद अली शाह का नाम ले लिया, बुरा क्यों लग गया भाई? कायम अली शाह का नाम आ गया, अगर लदारी साहब का नाम भी आ रहा है भाई, उन सब पे जो चोरी के इल्जाम आप लगा रहे हैं। और दूसरी जहां तक बात है ना, आप नॉट रिप्रेजेंटिंग अलीमा खान, और अलीमा खान का सलमान साहब आपकी जानिब आऊंगी और आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है, किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा ये भी हमने बात की, लेकिन इसके साथ साथ सलमान साहब आपसे ये सवाल रखना चाहूंगी कि ये जो बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों में गिरफ्तारियों का अमल शुरू हो चुका है, मुल्की सियासत पर इसका क्या असर होने वाला है? देखिए बात ये, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो कौम के लिए मशाल राह होती है, कौम उन्हें दयानतदार समझ के वोट देती है, और जब उनकी करप्शन साबित होती है तो फिर उसी आवाम के ऊपर उसके नेगेटिव असरात होते हैं। आज कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके अंदर करप्ट लोग मौजूद नहीं है? आज आपका सियासी सिस्टम क्यों बदनाम है? आज पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत डिलीवर करती क्यों नजर नहीं आ रही? इसलिए नहीं आ रही कि बाजे कि आप जो चोर करप्ट और बदयानत लोग हैं, देखिए ये जो अरबपति होते हैं ना, ये पार्टीज के अंदर किसी भी पार्टी में आप देख लें वो असर रसूख के अमल होते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप खत्म हो गया। ये जमशेद जी में बेचारे को मैं देखता रहा, सारा साल से स्ट्रगल कर रहा था, सलमान साहब आज वो बैठ के अपनी पार्टी को डिफेंड करता नजर आ रहा है। आपसे माजरत चाहूंगी, हसन साहब आपकी तरफ आऊंगी, यही सवाल मेरा आपसे है, मुल्क की सियासत पे क्या असर होगा? देखिए जी, मैं तो रवैयों का कर रहा था कि रवैये ठीक नहीं है। पंजाब हुकूमत का स्पोक्समैन बोलता है और वो कहता है कि नवाज शरीफ की तबीयत ठीक है, नीयत ठीक नहीं है। क्या किसी की बीमारी का मजाक उड़ाना ये कोई इंसानियत है? ये होना चाहिए, इन रवैयों में तब्दीली आनी चाहिए। रवैये ठीक होने चाहिए, रवैयों में तब्दीली होनी चाहिए। जमशेद साहब कहते हैं हम कहते हैं कि ट्रंप को सजा मिलनी चाहिए। भी मैं सियासतदान हूँ और मुझे सियासतदान होने का, मैंने 70,000 वोट लिया है, लेकिन 70,000 वोट मुझे इजाजत नहीं देता मैं करप्ट हो जाऊँ, मुझे इजाजत नहीं देता मैं सरबती क्रॉस कर जाऊँ, मुझे इजाजत नहीं देता मैं टैक्स बचाऊँ। सो मैं यहाँ जो चीजें हम मांग रहे हैं, कि हम सियासतदान हैं, हम इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, हमने इतने वोट लिए हैं, हमारी इतनी इज्जत है, भाई इज्जत क्या गटरों से पैसे खाने से इज्जत बढ़ती है? क्या क्या बंगियों के पैसे खाने से इज्जत बढ़ती है? क्या $1 कम इनकम वाले 60% लोग इस मुल्क के उनके पैसे खाने से इज्जत बढ़ती है? क्या लोगों को थर में भूखा मारने से इज्जत बढ़ती है? मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को खिदमत हलक के लिए आते हैं, इनके ट्रांसपेरेंसी के स्टैंडर्ड, ईमानदारी के स्टैंडर्ड। शुक्रिया, आज जितनी भी प्रोग्राम में डिस्कशन हुई उससे एक पैगाम मिलता है कि जितने भी इदारे हैं वो आवाम के लिए हैं, और आवाम को और सियासतदानों को उन इदारों की ना सिर्फ इज्जत करनी है बल्कि जो कार्रवाइयां होती हैं उनको भी बड़े दिल से तस्लीम करना है। आज के टॉप स्टोरी से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।